हे गाइस, क्या आपने कभी सुना है कि कुछ खाने के बाद हम बोले उंगलियां चाटते रह जाओगे? कुछ ऐसा ही होने वाला है आपके साथ इस रेसिपी को खाने के बाद। आज हम बनाएंगे पिंडी छोले। ये रेसिपी बहुत डिलिशियस है। आप इसे कुलचों के साथ, नान के साथ, भटूरे के साथ और बेसिकली एनीथिंग, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स के लिए जो भी हमें चाहिए वो मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई देंगे बट उस वो रेसिपी में डालेंगे, तो आप प्लीज़ लिस्ट को फॉलो करके रेसिपी बनाएं। मैंने 2 कटोरी छोले रात को भिगो दिए हैं 5 टाइम्स पानी के साथ और सुबह उनको नमक एंड हल्दी डाल के अच्छे से बॉयल कर दिया है। 3 मीडियम प्याज को बारीक काट लें और 3 टमाटर को मिक्सी में ब्लेंड कर लें। लहसुन अदरक के साथ कुछ खड़े मसाले हम पीसेंगे और कुछ हम सिर्फ तड़के में डायरेक्ट डालेंगे। जो डायरेक्ट डालेंगे वो है जीरा, बे लीव्स और दालचीनी। उसके अलावा जितने भी मसाले हैं वो लहसुन अदरक के साथ हम कूट लेंगे। सीक्रेट छोले मसाले बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने अलग से स्क्रीन पे दिखा दिए हैं और उसकी एक अलग से लिस्ट है, आप प्लीज उसे फॉलो करें। शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई होप यू लाइक इट। ये वो मसाले हैं जो हमें सीक्रेट छोले मसाले बनाने में यूज करने हैं। इसमें आपको छोटी और मोटी इलायची नहीं दिख रही है, वो भी ऐड होगी। तो पैन को आप गैस पे मीडियम आंच पे गरम कर ले और उसके बाद सारे मसाले उसमें डालकर उनको मीडियम आंच पे आपको अच्छे से रोस्ट करना है जब तक वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। ध्यान रखना है कि आपके मसाले जलने नहीं चाहिए, काले नहीं होने चाहिए, अदरवाइज जो आपका मसाला है उसका पूरा फ्लेवर ही चेंज हो सकता है। रोस्ट होने के बाद आप उसे ठंडा कर लें और उसके बाद आप उसे ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लें। आपका जो मसाले का पाउडर है वो रेडी हो जाएगा। जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी इसमें यूज किए हैं, इसमें मैं 4 रेसिपीज, मतलब 4 बार रेसिपी को बना सकती हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मेन मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में हमें 2 करछी सरसों का तेल चाहिए, मस्टर्ड ऑयल। देसी घी या रिफाइंड ऑयल नहीं चलेगा, ओनली मस्टर्ड ऑयल। इसमें आप खड़े मसाले ऐड करें, बे लीव, दालचीनी एंड जीरा, और हल्का सा स्प्लिटर होने के बाद उसमें हम प्याज को ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे आप रोस्ट करें। जब प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए उसके बाद आप उसमें लहसुन अदरक का खड़े मसालों वाला पेस्ट ऐड कर दें। ये देखिए, यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं अगेन इसको 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करूंगी अच्छी तरह से। हल्का रोस्ट हो जाने के बाद इसमें हम सूखे मसाले, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए और धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून डालेगा। 15 से 20 सेकंड के लिए इसको लो फ्लेम पे रोस्ट करें और उसके बाद इसमें हम टमाटर की प्यूरी, टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हमें इसे मीडियम आंच पे तब तक रेगुलर चलाते हुए भूनना है जब तक कि ऑयल अलग ना होने लग जाए तड़के से। इस टाइम पे मैंने हरी मिर्च ऐड की है क्योंकि मुझे हरी मिर्च का कलर चेंज नहीं करना है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी डिटेल्स स्क्रीन पे शेयर कर दी गई हैं। अब हम इसमें सीक्रेट मसाला जो हमने बनाया था 2 चम्मच वो ऐड करेंगे और उसे अगेन 10 से 12 सेकंड के लिए हल्की आंच पे इसको अच्छे से भून लेंगे। अब जितने आपने छोले बॉयल किए थे वो सारे आप इसमें ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स करके इसे 1 बॉयल आने तक हाई फ्लेम पर रखें।
एक बॉईल जब आ जाए उसके बाद आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और करछी की हेल्प से उसको बेस के अगेंस्ट आप उसको क्रश करें। क्रश करने से क्या होगा कि कुछ जो छोले हैं वो आपके ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो बहुत ही एनहांस हो जाता है। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर एक क्लिपिंग शेयर करना भूल गई हूँ जिसपे मैंने लेमन ऐड किया था। तो यहाँ पे हमें एक लेमन का जूस ऐड करना है और उसके बाद एक से दो मिनट के लिए ग्रेवी को बॉयल करें और गैस ऑफ कर दें। पिंडी छोलों को आप सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर लें और उसके बाद आप धनिए से उसको गार्निश कर सकते हैं। आप बारीक कटा हुआ अदरक, टमाटर और प्याज भी ऊपर डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।